हाय गाइस, तो आज हम लोग सिंपली ऑब्स्ट्रा को यूज करना सीखेंगे गाइस। ठीक है, उसमें आप कैसे अपनी कोई भी स्ट्रेटजी को चेक कर सकते हैं, कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, कितना उसका मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस होता है। गाइस, मेरे पास डेली स्ट्रेटजी से रिलेटेड रोज़ फ़ोन कॉल्स आते हैं कि मेरे ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर रह गया तो कितना प्रॉफिट होगा, तो कितना लॉस होगा। तो उन सब सारे चीज़ों को, इन सारे कन्फ्यूजन, इन सारे डाउट्स को मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना आप लोग, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज। मैं इसी तरह के वीडियोज आप जो नए ट्रेडर्स को बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, मैं उनके लिए स्पेशली वीडियो ला कर डालता रहता हूँ इसमें। और अगर आप नए हैं तो चैनल पर ऑलरेडी आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने हाउ टू स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास की प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें गाइस नए ट्रेडर्स के लिए सबसे स्पेशल वीडियो मैंने बना कर रखी है, ठीक है। तो आप उसे चेक कर सकते हैं एंड उसमें आपके आधे से ज़्यादा डाउट्स ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम सिंपली चलते हैं वीडियो को टॉपिक की ओर। तो ठीक है, तो आज मैं आप लोग को ऐसे चीज़ बताऊंगा जिससे आप किसी भी स्ट्रेटजी को सिंपली मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं एंड उसे कैसे पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं, कैसे यूज करते हैं, सब कुछ मैं आज बताऊंगा गाइस, ठीक है। तो पूरा देखना। तो सिंपली हम लेकर चलते हैं आपको ऑफ्स्ट्रा पे। गाइज, ऑप्स्ट्रा एक फ्री वेबसाइट है, ठीक है, जिसमें आप ऑप्शन की कोई भी स्ट्रेटजी को चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है। तो मैं सिंपली लेकर चल दिया ऑप्स्ट्रा को, आप देखते रहिए, ठीक है। पहले मैं कुछ भी इसी तरह सेल कर देता हूँ। एक मैं सिंपली मान लीजिए पुट स्प्रेड ही बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको सेल कर देता हूँ, यहाँ से एक लॉट सेल कर दिया एंड एक लॉट बाई कर दिया गाइज। ये सिंपली मैं क्रेडिट पुट स्प्रेड बना देता हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि क्या होता है पुट स्प्रेड, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, यही इसका पे ऑफ ग्राफ होता है, ठीक है। तो मैं पहले बता देता हूँ, सबसे पहले गाइस कि इसमें सारे लोगों को कन्फ्यूजन बस एक बात को लेकर बहुत जा रही थी कि ब्लू लाइन क्या होती है, ठीक है। तो आज मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, तो हम ध्यान से समझना है इस बात को गाइज आप लोग, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि देखिए ये ब्लू लाइन चल रही है और नीचे प्राइस भी देखिए, अगर मार्केट 480 पर चल रही है, ठीक है, तो आपका एक्सपायरी डेट पे दिन जो ऊपर वाले ग्रीन बॉक्स में दिख रहा है आपको, वो एक्सपायरी के दिन का प्रॉफिट दिखाता है, ठीक है। कि अगर मार्केट 11473 पे एक्सपायर हो गई, 466 पे एक्सपायर होगी, तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा, तो आपको एक्सपायरी के दिन 3292 रुपये का प्रॉफिट होगा। एंड अगर करंट डे में अगर आपको कितना का प्रॉफिट होगा, तो करंट डे में आपको देख सकते हैं नीचे जो ब्लू लाइन में चल रही है 450 का प्रॉफिट वो आपको शो कर रहा है गाइस, ठीक है। तो करंट डे में अगर जैसे कि मैंने करंट डे से मतलब जैसे आपने स्ट्रेटेजी को तुरंत ही अप्लाई किया और तुरंत मार्केट 11500 चलने लगा, तो आपको प्रॉफिट कितना दिखेगा, आपको प्रॉफिट 500 रुपये का ही दिखेगा, आपको 3292 का प्रॉफिट एक्सपायरी के दिन पर दिखेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मार्केट आपके फेवर में चली जा रही है, ठीक है, देखते सकते हैं आप कि कैसे कैसे ब्लू वाले बॉक्स में आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। ये गाइस करंट डे का बता रहा हूँ, जैसे ये मार्केट आपने अप्लाई की स्ट्रेटजी, वैसे ही अगर मार्केट मूवमेंट आ गया तो उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपको ब्लू डिब्बे में दिखेगी, ठीक है। और एक्सपायरी के दिन पर क्या कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपको ग्रीन डब्बे में दिखेगी। इसी तरह मार्केट का अगर अपोजिट चले जाएँ हम, तो देख सकते हैं आप तुरंत का प्रॉफिट देखिए, अगर मार्केट आपका अपोजिट चला गया 11300 पर आ गया, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट देखिए आपको ब्लू डिब्बे में कितना दिख रहा है, 700 रुपये का। तो ये ऑलमोस्ट आपको 700 रुपये का ही लॉस दिखेगा करंट डे पे, ठीक है। ये अप्रोक्स का एकदम 100% नहीं होता है, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट आपको इतना ही प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा करंट डे पे, ठीक है। और नीचे देख सकते हैं जो रेड बॉक्स है उसमें 4200 का आपको लॉस दिख रहा है। ये कैश लॉस कब दिखेगा, ये लॉस आपको एक्सपायरी डे का दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से कोई भी स्ट्रेटजी को चेक कर सकते हैं। तो गाइस इसमें समझने वाली बात बहुत सारी है, मैं अभी आपको एकदम डिस्कस करूंगा, एकदम गाइस एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नए ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि नए ट्रेडर्स हमेशा कन्फ्यूज ही रहते हैं कुछ ना किसी चीज़ को लेकर। तो मैं इसमें आपके बहुत से सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। तो देखिए, पहले सिंपली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ये गाइस होता है कि आपके जो भी हैं जो स्ट्रेटजी या वेबसाइट बताती है कि कितने परसेंट उनको चांसेस है सक्सेस होने के, प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 50% है, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट गाइस, ठीक है, मैक्स प्रॉफिट 3292 रुपये, ठीक है, और मैक्स लॉस गाइस 4208 रुपये। तो इसमें गाइस बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, इसमें गाइस A to Z लोगों का, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता था। मेरे पास बहुत ही कमेंट आते थे कि सर मैक्स लॉस मेरा दिख रहा है 4000 रुपये का एंड लॉस हो गया मुझे 5000 रुपये का, 6000 रुपये का, ऐसे। तो मैं वो भी बताऊंगा क्यों होता है आपको, ठीक है। तो पहले मैक्स लॉस समझ लेते हैं गाइस। मैक्स लॉस का मतलब मैक्स लॉस, ठीक है। अब आपको मैक्स लॉस पहले मैं बताता हूँ होता कब है। मैक्स लॉस गाइस एक्सपायरी वाले दिन पर ही हो सकता है,
इसके पहले आपको मैक्स लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। मैक्स लॉस से हमेशा कम ही कुछ ना कुछ लॉस होगा, अगर मार्केट बड़ा मूवमेंट दे रहे तब पर भी, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये बात आप ध्यान रखना, मैक्स लॉस से अधिक आपको लॉस नहीं हो सकता, चाहे मार्केट 500 पॉइंट ऊपर नीचे चला जाए या तो 1000 पॉइंट ऊपर नीचे चला जाए, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैक्स प्रॉफिट में मैं डिस्कस कर लेता हूँ गाइस। इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में अगर छोड़ दोगे तो फिर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दोगे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, मैक्स प्रॉफिट इन द सेंस मैक्स प्रॉफिट, ठीक है। इससे आपको एक रुपये का अधिक प्रॉफिट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मार्केट आपके फेवर में चला गया तो आपको 3292 रुपये का ही प्रॉफिट होगा, चाहे मार्केट कितना भी आपके फेवर में चला जाए, इससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता है, ठीक है। और मैक्स प्रॉफिट कब होता है, मैक्स प्रॉफिट भी एक्सपायरी के दिन ही हो सकता है, अगर मार्केट आपके मैक्स प्रॉफिट के पॉइंट पर एक्सपायर हो जाए तो। अब गाइस जरा मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अगर आप देखिए, अगर आप पहले किसी को स्टडी को चेक करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आपको मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस इतने का दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आपको बहुत सारे लोगों को हो जाता है कि मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस से कम या अधिक प्रॉफिट लॉस हो जाता है, तो मैं वो बताता हूँ वो किस लिए होता है। गाइस देखिए, इस समय इसका प्रीमियम चल रहा है 208 रुपये, एंड एक का चल रहा है 164 रुपीज़, ठीक है। तो क्या होता है कि मार्केट का प्रीमियम हर सेकंड, क्योंकि मार्केट मूवमेंट करता रहता है, तो मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से प्रीमियम में भी घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है गाइस। तो समझने वाली बात यह है कि जब भी आप देखें, जब भी आप स्ट्रेटजी अप्लाई करिए, जब भी आप स्टडी लाइव मार्केट में अप्लाई करिए, तो इसके प्रीमियम एंड इन जो भी आपने बाई सेल किया है उसके प्रीमियम आपने जो लाइव मार्केट में डिप्लॉय कर दिया अपने ब्रोकर में, उन दोनों से मैच करा लेना गाइस, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने इस स्टडी को चेक किया, 208 रुपये चल रहे हैं अभी 208 रुपये चल रहे हैं, ये इसका 164 रुपये चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको स्ट्रेटजी मार्केट में अप्लाई करने में 2-3 मिनट लग जाएंगे। तो दो तीन मिनट, कभी कभी होता क्या है कि मार्केट बड़ा मूवमेंट दे देता है, तो वो जो 208 का प्रीमियम चल रहा है वो हो सकता है कि 200 का चलने लगे, या तो 210 का चलने लगे, ठीक है। और जो नीचे वाला चल रहा है वो हो सकता है 160 का हो जाए या फिर 170 का हो जाए, तो इसके वजह से मैक्स लॉस एंड मैक्स प्रॉफिट होता है, चेंज हो जाता है। तो उसका हल क्या है मैं उसको भी बता देता हूँ गाइस, तो ठीक है। तो सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली आपको एडिट कर देना है। एडिट का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी स्ट्रेटजी बनाई और लाइव मार्केट में इसके प्रीमियम अलग अलग हो गए हैं, तो सिंपली आप इस पर एडिट पोजिशन जाना, ठीक है। अब आपने मान लीजिए स्टडी को चेक किया तो 208 रुपये प्रीमियम चल रहे थे, अब जब आपने डिप्लॉय की तो जरूरी तो नहीं है नहीं कि 208 पर ही वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो हो सकता है आपका 210 पर हो जाए, तो सिंपली आप उसे 210 कर लो, ठीक है। सिंपली आप उसे 210 कर लो और फिर यहाँ से मॉडिफाई करो, तो ये अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस सही से बताएगा, ठीक है। तो जो आपको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस शो करेगा, जो आपने ब्रोकर में एग्जैक्ट सेल किए हैं या बाई किए हैं, तो उससे अगर इन दोनों का प्रीमियम यहाँ पे अगर सही से मैच करा देंगे आप, तो जितना प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है उतना ही मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस होता है गाइस, ठीक है। तो आपके सारे डाउट्स को मैंने दूर कर दिया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। अगर आप नए एकदम मार्केट में नए हैं या फिर सीखना चाहते हैं, तो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी बहुत ही सारे अच्छे अच्छे कॉन्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए, तो ठीक है, आप चैनल को जाकर चेक कर सकते हैं एंड वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस, इस वीडियो में इतना ही था।